दोस्तों, ये रियल ब्रह्म वैवर्त पुराण बुक में पढ़ रहा हूँ। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, कामसूत्र, वेद पुराण, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पे सर्च करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो श्री गुरुदेव ने ही देव को प्रदर्शित किया है और मंत्र पूजा की विधि, और जब भी श्री गुरुदेव ने ही बताया है। देवता ने गुरु को ही दिखाया है, गुरु ने ही देव को दिखाया है, इसलिए देव से भी परतर श्री गुरुदेव ही होते हैं। गुरुदेव ही ब्रह्म है, गुरुदेव ही विष्णु के स्वरूप वाले हैं और गुरुदेव ही साक्षात महेश्वर हैं। ईशी आद्य प्रकृति भी गुरुदेव ही हैं। गुरु ही चंद्र, अनल और रवि हैं। गुरुदेव ही वायु, वरुण, माता पिता, सुहत है। श्री गुरुदेव ही पर ब्रह्म का स्वरूप है, अतएव गुरु से पर अन्य कोई भी पूजा के योग्य नहीं है। एक ही गुरुदेव में सबका निवास है, अतः ये परम पूज्य होते हैं। यदि किसी भी अपराध के कारण बन जाने पर अविष्ट उपास्य देव रुष्ट भी हो जाए तो उनके रोष का मान कराने वाले तथा उस रोष के परिणाम से रक्षा करने में समर्थ गुरुदेव होते हैं। तात्पर्य, गुण का अनुग्रह के पात्र शिष्य का कोई भी अनिष्ट, गुरु का अनुग्रह के पात्र शिष्य का कोई भी अनिष्ट नहीं होता और किसी भी अपराध से गुरुदेव रुष्ट हो जाए तो समस्त देवता भी मिलकर उस अपराध के भाजन को रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। जिस भाग्यशाली साधक के गुरुदेव परम प्रसन्न एवं शिष्य से पूर्ण संतुष्ट हैं और निरंतर उनका अनुग्रह रहता है तो उसका पद पद में सर्वत्र विजय ही होती है, और जिसके गुरुदेव शिष्य पर रोषान्वित हैं उस भक्ति का सर्वदा के लिए ही सर्वनाश हो जाता है। महाभारत में इसका एग्जाम्पल मौजूद है, मेरे महाभारत के वीडियोस भी आप देख सकते हैं। जो कोई मूढ़ मनुष्य अपने श्री गुरुदेव की अर्चना प्रथम ना करके देव का पूजन भ्रम से किया करते हैं वो एक सत ब्रह्म हत्या के समान महापाप का भागी अवश्य ही हो जाता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। सामवेद में भगवान हरि ने स्वयं ही ये कहा था, इसलिए अपने उपास्य एवं अविष्ट देव से भी अधिक गुरुदेव ही पूज्यतम होते हैं। हे मुने, अतएव इष्ट श्री गुरुचरण का स्वयं ध्यान करके और साधना करने वाले व्यक्ति को उनका स्तवन करके फिर वेद में बताया हुआ स्थल प्राप्त करके सानंद मलमूत्र आदि का उत्सर्ग करना चाहिए, मतलब वॉशरूम जाना चाहिए। अब मलमूत्र के उत्सर्ग करने के विषय में पूरा विवरण दिया जाता है कि किस स्थान का इसके करने में करना चाहिए। जल के समीप का स्थल, छिद्र से युक्त स्थान, प्राणियों की सन्निधि वाला स्थल, देवालय के समीप का स्थान, वृक्ष का मूल प्रदेश और मार्ग का स्थान मलमूत्र के त्याग करने में त्याग कर देना चाहिए। हल से उत्कर्षण जिस भूमि का हो चुका हो उस स्थान को, खड़ी हुई फसल वाले क्षेत्र को, गोष्ठ गायों के रहने बैठने का स्थल को, नदी और कंदरा के मध्य को, पुष्पों वाले उद्यान को और कीच और दलदल वाले स्थान को मलमूत्र उत्सर्जन के काम में त्याग कर देना चाहिए, मतलब वहाँ नहीं करना चाहिए। ग्राम आदि जनवासों के भीतरी भाग को, मनुष्य के निवास करने वालों ग्रहों के समीप स्थल को, शंखों को, सेतु को, सरो के वन को, शमशान भूमि के स्थान को और अग्नि के समीप रहने वाले स्थान को भी मल आदि के त्याग करने में अवश्य ही वर्जित कर देना चाहिए, मतलब यहाँ भी नहीं करना चाहिए। क्रीड़ा करने का स्थल और महान आरण्य मंचकों के नीचे का भाग, वृक्षों की छाया से युक्त स्थल, अंत प्राणियों का अवपर्ण दुर्वा का स्थान, कुशा जहाँ पर लगे हुए हो वो स्थल, सर्पों की बांबी जहाँ पर हो वो स्थान, वृक्षों के आरोपण करने की भूमि का स्थल और जो भूमि का स्थान किसी भी कार्य संपादन करने के लिए परिष्कृष्ट किया गया हो, इन समस्त उपयुक्त स्थलों का परित्याग मलादि के त्याग करने में कर देना चाहिए और सूर्य के ताप से वर्जित स्थान को भी
त्याग दे। गर्त करके मल और मूर्त को वर्जित करना चाहिए। दिन के समय में सर्वथा मल मूत्र का त्याग उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। गर्त मतलब गड्ढा। रात्रि के समय में पश्चिम दिशा की ओर मुख करने वाला होकर त्याग करें तथा संध्या के समय में दक्षिण भिमुख होकर त्याग करें। और मानी होकर त्याग करें और निश्वास ऐसे रखें जिससे गंध का संचारण ना होगी। मल आदि का त्याग करके मिट्टी से उसकी समाच्छेदी मतलब मिट्टी से ढक दे और विचक्षण पुरुष को शुद्धि करनी चाहिए। पहले लोष्ट शौच करके फिर जल से शौच अर्थात शुद्धि करें और वो जल भी मृत्तिका से युक्त होना चाहिए। अब उसका प्रमाण बताता हूँ, उसका श्रवण करो। लिंग में एक बार मिट्टी लगाकर उसकी शुद्धि करें। वाम हस्त से चार बार मिट्टी से मले। दोनों हाथों को दो बार मिट्टी लगाकर मले। ये तो मूत्रोत्सर्ग करने का शौच होता है। यदि मैथुन के पश्चात मूत्र उत्सर्ग करे यानी मूत्र त्याग करे तो मूत्र की शुद्धि उक्त विधि से दुगनी करनी चाहिए। मैथुन के अनंतर शौच और मूत्र शौच चतुर्गुण हो जाता है। अब मल के त्याग में शुद्धि का विधान बताया जाता है। एक बार लिंग को मिट्टी से मले, गुदा में तीन बार मिट्टी का लेपन कर उसकी शुद्धि करे। बाएं हाथ से 10 बार मिट्टी लगाकर मले। दोनों हाथों को मिलाकर 7 बार मिट्टी का लेपन कर शुद्धि करनी चाहिए। छठे से फट शुद्ध होता है। ये मल त्याग की शुद्धि विप्र की और गृहस्थमियों की होती है। विधवाओं को दुगना शौच बताया गया है। हे ब्रह्मर्षि, यतिशु का वैष्णवों और ब्रह्मचारियों का शौच जो गृहियों का बताया गया है उससे 4 गुना होना चाहिए। जब तक द्विज का उपनयन संस्कार नहीं होता है वो शूद्र के समान ही होता है और उसी प्रकार स्त्रियां होती है, उनका शौच गंधलेप के क्षय का करने वाला ही होता है। क्षत्रिय वर्ण वाले और वैश्य का शौच गृहस्थमीय द्विजों के तुल्य ही होना चाहिए, अर्थात गृहस्थ विप्रों का बताया गया है वैसा ही इनका भी होता है। वैष्णव आदि का और मुनियों का इनसे दुगना शौच बताया गया है। जो शुद्धि करने की इच्छा रखता है कि वास्तविक शुद्धि होनी चाहिए उसे इससे न्यून और अधिक कभी भी नहीं करना चाहिए। यदि इसका अतिक्रमण किया जाए तो उसका प्रायश्चित अवश्य ही करना चाहिए। अब शौच और उसका नियम मुझसे तुम सावधान होकर सुनो। मित शौच में सूची भी विप्र व्यतिक्रम हो जाने पर अशुद्धि हो जाता है। सर्पों की, वल्मी की तथा चूहों के द्वारा खोदी हुई मृतिका को और जो जल के अंदर में रहने वाली मिट्टी होती है उसको शौच से अवशिष्ट मिट्टी को और लेप से उत्पन्न मिट्टी को नहीं देना चाहिए। अतः प्राण्यन वर्ण और विशेष करके हल से उत्खात मिट्टी को तथा कुशा के मूल से निकली हुई तथा दुब की जड़ से उठी हुई मिट्टी को, पीपल वृक्ष की मूल से उखड़ी हुई एवं शयन से उठी हुई मिट्टिका को भी नहीं लेना चाहिए। चौराहे की गोष्ठों की और गौ के खुरों की, स्थलों की, खेती की और उद्यानों की मिट्टिका का त्याग कर देना चाहिए। स्नान किया हुआ हो अथवा स्नान न किया हुआ हो विप्र स्वच्छ से शुद्ध हो जाता है। जो स्वच्छ से हीन है वो नित्य ही असुचि रहा करता है और समस्त कर्मों के संपादन करने के अयोग्य होता है। इस प्रकार के स्वच्छ को करके जो उक्त विधि से बताया गया है उसे करके शुद्धि ब्राह्मण को अपने मुख का प्रक्षालन करना चाहिए। आदि में 16 कुलों के द्वारा मुख की पहले शुद्धि करे, फिर दंत दातून से दांतों का भली भांति परिमार्जन करना चाहिए। इस दंत धावन के द्वारा परिमार्जन करने के पश्चात पुनः 16 कुलियों के द्वारा मुख की शुद्धि करनी चाहिए। हे नारद, अब दंत काष्ठों के विषय में जो नियम है उसको सुनो। सामवेद में आहिक के क्रम में हरि ने स्वयं
निरूपण किया है। पलाश के वृक्ष दातुन करने में प्रहस्त कहे गए हैं। बहरी, बैर, पारिभद्र, मंदार और सालमली और कांटों से युक्त वृक्ष जो कि लता आदि से रहित दातुन होनी चाहिए। पीपल, पीपाल मतलब केल ताल, ये वृक्ष भी दातुन के लिए वर्जित कहे गए हैं। पीपल, तिंतड़ी, ताड़ू, खजूर, नारिकेल ताल, ये वृक्ष भी दातुन के लिए वर्जित है, सही नहीं है। जो व्यक्ति दांतों के शौच से विहीन होता है वो सब प्रकार के शौच से विहीन होता है। जो शौच शुद्धि से रहित असुचि होता है वो नित्य ही समस्त प्रकार के कर्मों में अयोग्य होता है। इस विधि शौच करके शुचि हो जाने वाला विप्र धुले हुए दो वस्त्र को धारण करे, अर्थात पहनने और ओढ़ने वाले दो वस्त्र होने चाहिए। फिर पैरों को धोकर आचमन करे और इसके अनंतर प्रातःकाल की संध्या की उपासना करनी चाहिए। इसी प्रकार से कुलीन विप्र को तीनों संधियों के काल में संध्या करनी चाहिए। वो सर्व तीर्थों में स्नान किया हुआ होता है। जो त्रिकाल संध्या की उपासना किया करता है, त्रिसंध्या से जो हीन होता है वो अशुचि और समस्त कर्मों में अयोग्य होता है। ऐसा व्यक्ति दिन में जो भी कर्म करता है उसके फल का भागी वो नहीं हुआ करता है, अर्थात उसका सब कुछ दिन में किया हुआ विफल होता है। जो पूर्व संध्या अर्थात प्रातःकालीन की संध्या उपासना नहीं करता है और जो पश्चिम अर्थात सायंकाल की संध्या की उपासना नहीं करता है वो शूद्र की भांति समस्त ब्राह्मणों के कर्म से बहिष्कृत कर देने के योग्य होता है। पूर्व संध्या का तथा मध्यमा संध्या का और पश्चिमा संध्या का त्याग कर देता है वो द्विज प्रतिदिन ब्रह्म हत्या और आत्महत्या के पाप को प्राप्त किया करता है। जो द्विज एकादशी से हीन होता है और संध्या उपासना से विहीन होता है वो एक वृषलिपति की भांति कल्प भर तक कालसूत्र नामक नरक में जाकर पतित होता है। जो प्रातःकाल और संध्या उपासना करके फिर गुरु, इष्ट देव, शूरगण, सूर्य, ब्रह्मा, ईश, विष्णु, माया, पद्म और सरस्वती को प्रणाम करके तथा गुरु की वंदना करके फिर घृत दर्पण, मधु कांचन का स्पर्श करके समय पर स्नान आदि की क्रिया करता है वो साधकों में परम श्रेष्ठ होता है। पुष्करिणी में बापी में जब स्नान करे तो विचक्षण पुरुष को आदि में जो कि धर्म करने वाला है पांच पिंडों का समुद्वरण करना चाहिए। नदी में, नद में अथवा कंदर में या तीर्थ में स्नान करना चाहिए है मुने। पहले स्नान करने का संकल्प करे और फिर स्नान करना चाहिए। महान आत्मा वाले वैष्णवों का और गृहस्थियों का संकल्प ही श्री कृष्ण की प्रीति की कामना वाला होता है और किए हुए पातकों का नाशक हुआ करता है। ब्राह्मण को संकल्प करके फिर मृतिका को शरीर में लेपन करना चाहिए। निम्नलिखित वेद में कहे हुए मनन से मृत्यु लेपन करे जो कि देह की शुद्धि करने वाला होता है। मंत्र अश्वकांते, रथकांते, विष्णुकांते, वसुंधरे, मृतिके हरम पापम यजमा दुष्कृतम कृतम, अर्थात हे अश्व के द्वार कांत होने वाले, हे रथों से कांत होने वाले, हे विष्णु के द्वारा कांत क्रांत रूप वाली, हे धनों को धारण करने वाली, हे मृतिके मेरे पाप का हरण करो। जो भी कुछ मैंने दुष्कृत किया है वराह के द्वारा आपको उठाया गया है। आप मेरे शरीर पर आरोहण करके मेरे समस्त पापों से मुझे प्रमुक्त कर दो। हे महाभाग, मुझे पुण्य का प्रदान करो और स्नान करने की मुझे अनुज्ञा प्रदान करो। इतना कहकर नाभि प्रमाण जल में मंत्रों के साथ चार हाथ प्रमाण वाली शुभ मंडलिका करके हे तपोधन वहां पर तीर्थों का आवाहन करना चाहिए। जो जो भी तीर्थ हैं उन सबको मैं तुमसे कहता हूँ, प्रत्येक आह्वान किए जाने वाले तीर्थ के नाम को संबोधित करके प्रार्थना करनी चाहिए। यथा हे गंगे, हे यमुने, हे गोदावरी, हे सरस्वती, हे नर्मदे, हे सिंधु, हे कावेरी, आप सब यहाँ आकर इस जल में अपना सन्निधान करो। विद्वान पुरुषों को निम्न देवी देवों का उस समय स्मरण करना चाहिए यथा नलिनी, नंदिनी, सीता, मालिनी, महापता, विष्णु के चरणों की अर्घभूता गंगा, त्रिपदगामिनी, पद्मावती, भोगवती, स्वर्णरेखा की शिखी, दक्षा, पृथ्वी, सुभगा, विश्वकाया, शिवा, अमृता, विद्याधरी, सुप्रसन्ना, लोक
प्रसादिनी क्षमा, वैष्णवी शांता, शांतिदा गोमती, सती सावित्री, तुलसी, दुर्गा माँ, लक्ष्मी, सरस्वती, कृष्ण, राधिका, राधा लोपा, मुद्रादिति, रति अहिल्या, अदिति, संज्ञा स्वदा, स्वाहा, अरुंधति, शत्रुपा और देवहूति इत्यादि के नामों का स्मरण उस स्नान के समय में करना शुभ होता है। बार बार स्नान करके अर्थात डुबकिया लगाकर अपने आप को महापूत करें और फिर बुद्ध को चाहिए कि स्नान करें, स्नान करके तिलक करें। तिलक किन स्थानों में शरीर अंगों पर करें, इसे बताया जाता है कि बहुओं के मूल में, ललाट में, कंठ देश में और वृक्षस्थल में तिलक लगाना चाहिए। स्नान, दान, तप, होम, देव कर्म और पितृकर्म, ये सब ललाट में तिलक के बिना निष्फल हो जाते हैं। ब्राह्मण को निर्दिष्ट शरीर अंगों पर तिलक करके फिर संध्या और तर्पण करना चाहिए। इसके उपरांत भक्तिभाव से देवों को नमस्कार करके आनंद से युक्त होकर घर को जाना चाहिए। वहाँ घर पर पैरों को धोकर और धुले हुए वस्त्र धारण करके प्राज्ञ पुरुष को मंदिर में प्रवेश करना चाहिए, ये हरि ने ही कहा है। बिना स्नान किए और अपने पैरों को धोए जो कोई हरि मंदिर में या देवालय में प्रवेश किया करता है, उसका स्नान, अधिक जप और पंचम होम सभी नष्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि पवित्र होने के बाद जाना चाहिए, ताकि ये स्ट्रिक्टली लोग फॉलो करें, इसलिए ऐसा बोला जा रहा है। स्निग्ध वस्त्र का परिधान करके गृही को घर में प्रवेश करना चाहिए, मतलब जो भी ऋषि ने कहा है इसलिए कहा है। यदि ऐसा नहीं करता है तो लक्ष्मी रुष्टा होकर घर से सुदरुण साप देकर चली जाया करती है। जो भी प्रउद्ध जंग में पैरों का यदि प्रक्षालन करता है तो वो तब तक चांडाल हो जाता है जब तक वो गंगा दर्शन नहीं किया करता है ब्राह्मण। इसके अनंतर वहाँ आसन पर उपस्थित होकर सूची साधना करने वाले साधक को आचमन करना चाहिए। फिर भक्तिभाव से संबंधित होकर संयत होते हुए वेदोक्त विधि से देव की पूजा करनी चाहिए। सालग्राम में, मणि में, मंत्र में, प्रतिमा में, जल में, स्थल में अथवा गोपिष्ठ में, गुरु में और विप्र में हरि का अर्चन करना प्रशस्त होता है। हे नारद, सब पूजा प्रशस्त है और सालग्राम में अत्यधिक प्रशस्त है, क्योंकि वहाँ पर समस्त सुरों का अधिष्ठान होता है। जो कोई सालग्राम के उदक में अभिषेक किया करता है वो समस्त तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त कर लेता है तथा संपूर्ण यज्ञों में दीक्षित हुआ हो जाया करता है। सालग्राम में जो भक्तिभाव से जल को अर्थात सालग्राम के स्नान किए हुए तीर्थ को नित्य पीता है, वो पुरुष जीवित ही मुक्त हो जाता है और अंत में कृष्ण मंदिर को प्राप्त हो जाता है। हे नारद, सालग्राम का शिला चक्र जिस स्थान पर स्थित रहता है वहाँ पर सुदर्शन चक्र के सहित साक्षात भगवान ही स्थित रहा करते हैं और निश्चित रूप से समस्त तीर्थ निवास किया करते हैं। वहाँ पर जो कोई भी देहधारी मृत होता है, चाहे वो ज्ञान पूर्वक रहता हो या अज्ञानवश ही देवात निवास करता हो, वो रत्नों द्वारा निर्मित यान के द्वारा श्री हरि के पद स्थान को प्राप्त हो जाता है। सालग्राम शिला के बिना अन्यत्र कौन साधु हरि की पूजा करता है, अर्थात कोई नहीं। वहाँ अर्थात सालग्राम शिला में हरि की पूजा करके परिपूर्ण फल का लाभ प्राप्त होता है। अब तक मैंने पूजा के आधार पर बता दिया है, आप आगे पूजा के क्रम का आप लोग सुने, श्रवण करें। बहुमत अर्थात अधिक शास्त्रों, मुनियों और देवों तथा विद्वानों के द्वारा मानी हुई हरि की पूजा को जैसा कि आगम बताता है अब मैं कहता हूँ। कोई वैष्णव परम भक्ति की भावना से नित्य ही हरि के लिए षोडश उपचारों को समर्पित किया करता है जो कि परम सुंदर और पवित्र हुआ करते हैं। कोई 12 ही उपचारों के द्वारा पूजन किया करता है और कोई तो केवल 5 ही प्रमुख पूजनोपचारों के द्वारा हरि का भजन करता है। जिनकी जो भी शक्ति होती है उसी के अनुसार अर्चन के उपचारों से यजन करते हैं, किंतु वस्तुतः हरि के पूजन में मूल वस्तु भक्ति की सुदृढ़ भावना ही होती है। आसन, वस्त्र, पाद्य अर्घ, पुष्प, चंदन, धूप, दीप जो कि अत्युत्तम हो, गंधमाल्या, सुविलक्षण ललित सैया जल, अन्न तांबुल हो, सब साधा समर्पित करने चाहिए। गंध, अन्न, सैया और तांबुल के बिना कुल
12 ही उपचार होते हैं, पद्य, अर्घ, जल, पुष्प, नैवेद्य, ये 5 उपचार यजन के हुआ करते हैं। साधना करने वालों श्रेष्ठ पुरुष को ये समस्त पूजनोपचार मूल मंत्र से ही देव को समर्पित करने चाहिए। गुरु के द्वारा जो मंत्र का उपदेश किया हो वही मूल मंत्र होता है और ये समस्त कर्मों में परम प्रशस्त होता है। सबके आदि में भूत शुद्धि करें और इसके पश्चात प्राणायाम करना चाहिए। फिर मंत्रों के द्वारा अंग प्रत्यंग में न्यास करें और फिर मंत्रों का न्यास करना चाहिए। फिर वर्ण न्यास की विनिवृत्ति करें। इसके पश्चात अर्घपाद्य को विनिर्दिष्ट करना चाहिए। त्रिकोण एक मंडल की रचना करके वहाँ पर कूर्म की पूजा करें। द्विज को चाहिए कि जल से शंख को पूरित करके वहाँ पर संस्थापित करें। जल की विधि विधान के साथ पूजा करके फिर समस्त तीर्थों का उस जल में आह्वान करना चाहिए। इसके उपरांत पूजन के जो भी वहाँ उपकरण हो उनको उस जल से चालन करना चाहिए। शुचि होकर योगासन में स्थित होवे और पुष्प ग्रहण करने चाहिए। पुष्प ग्रहण करें। श्री गुरुचरण के द्वारा उपदेश किए हुए ध्यान के द्वारा अनन्य बुद्धि वाले को श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए और फिर साधना करने वाले साधक भक्त पूजन को मूल मंत्र के द्वारा ध्यान करके समस्त अर्घपाद्य आचमन स्नान वस्त्र माल्य धूप दीप नैवेद्य गंध आदि उपचारों को क्रमशः समर्पित करने चाहिए। तंत्रोक्य देव के अंगों और प्रत्यंग की पूजा करें। यथाशक्ति मूल मंत्र का जप करके देव मंत्र का विसर्जन करना चाहिए। विविध भांति के उपचारों को समर्पण करके हरि की स्तुति करें और फिर कवच का पाठ करना चाहिए। इसके उपरांत परिहार करके मस्तक से भूतल में देव को प्रणाम करें। इस तरह देव की पूजा का पूर्णतया संग संपादन करके विचक्षण पुरुष को यज्ञ कर्म करना चाहिए। हे मुनि, अग्नि से युक्त यज्ञ करें और फिर बलि देनी चाहिए। इसके अनंतर नित्य साध्य करें और फिर यथाशक्ति अपने वित्त के अनुसार दान करना चाहिए। ये सब पूर्ण करके कृति पुरुष को विहार करना चाहिए। ये क्रम श्रुति में श्रुत होता है। हे विप्र, इस प्रकार से ये सब हमने तुमको बता दिया है। यही वेद में कहा हुआ उत्तम सूत्र है जो कि विप्र का आहिक हुआ करता है। अब आप लोग मुझे ये बताओ आगे क्या सुनना चाहते हैं। ब्रह्म निरूपण। इस अध्याय में ब्रह्म का निरूपण किया जाता है। देवर्षि नारद जी ने कहा है, जगत के स्वामी है जगत गुरु, आपके प्रसाद से मैंने ये सब भली भांति श्रवण किया है। आप तो ब्रह्म स्वरूप है, अतएव आप ब्रह्म का निरूपण करके बताने का अनुग्रह कीजिए। हे प्रभु, क्या ब्रह्म आकार वाला है अथवा क्या वो ईश्वर निराकार है? उस ब्रह्म का विशेषण क्या है अथवा उसकी अविशेषता क्या है? क्या वो ब्रह्म देखने के योग्य है अथवा अदृश्य है अथवा वो देहियों से लिप्त है? या उसका प्रत्यक्ष लक्षण क्या है? किंबा वेद में उसका निरूपण किस प्रकार का किया गया है? उस ब्रह्म से अतिरिक्त जो प्रकृति है वो क्या ब्रह्म के स्वरूप वाली है? उस प्रकृति का लक्षण क्या होता है जो कि सारभूत श्रुति में श्रुत होता है? इन दोनों में सृष्टि के सृजन में किस की प्रधानता होती है? इन दोनों के मध्य में परम श्रेष्ठ कौन है? हे सर्वज्ञ, ये सब मन से भली भांति विचार करके मुझे अब ध्रुव जो हो वो बताने की कृपा करें। देवर्षि नारद के इस वचनावली का श्रवण करके पंचवस्त्र प्रहसित हुए और हंसकर फिर भगवान शिव ने परब्रह्म का निरूपण करना प्रारंभ किया था, अर्थात बताना शुरू किया था। श्री महादेव ने कहा, हे वत्स, तुमने जो भी प्रश्न के द्वारा पूछा है वो अति निगूढ़ उत्तम ज्ञान का विषय है। हे नारद, ये विषय वेदों में और पुराणों में अत्यंत दुर्लभ है। मैं ब्रह्मा विष्णु शेष धर्म और महान विराट ये सब हे ब्राह्मण हमने निरूपित किया है, श्रुतियों ने नहीं किया है। हे वेदों के वेत्ताओं में वर, जिस विशेषण से वो युक्त होता है वो दृश्य है और प्रत्यक्ष है, ये हमने वेद में भली भांति निरूपित कर दिया है। पहले वैकुंठ लोक में धर्म के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा और मेरे द्वारा पूछने पर भगवान हरि ने जो कुछ कहा था उसे आप समझिए। भगवान मतलब शिव ने हरि से सुना था। मैं वही सब तुमको कहता हूँ।
तत्व का सार भूत अज्ञान के अंधकार का नेत्र है, द्वेष के भ्रम के तम का ध्वंस करने वाला प्रकट प्रदीप है। परमात्मा का स्वरूप सनातन पर ब्रह्म है, जो कि सबके देहों में स्थित रहता है और देहधारियों के क्रमों का साक्षी स्वरूप वाला है। यही चीज भगवत गीता में बताई गई है, आप मेरे महाभारत के वीडियोस में देख सकते हैं और अष्टावक्र गीता वाल्मीकि रामायण के वीडियोस में भी देख सकते हैं। 5 प्राण स्वयं विष्णु है, मन स्वयं प्रजापति ब्रह्मा है। 5 प्राण स्वयं विष्णु है और स्वयं प्रजापति ब्रह्मा है, मन स्वयं प्रजापति ब्रह्मा है। सर्वज्ञान स्वरूप मैं हूँ और शक्ति ईश्वरी प्रकृति है। हम सब आत्मा के अधीन होते हैं, उसके स्थित होने पर ही हम सब संस्थित रहा करते हैं। मतलब प्राण विष्णु, मन ब्रह्मा, सर्वज्ञान शिव और शक्ति ईश्वरी, हम सब संगीत रहा करते हैं। उसके परम में चले जाने पर हम सब भी गत हो जाया करते हैं। हम सब भी मतलब नहीं रहते, जैसे कोई नरदेव के साथ उसके अनुगामी भी चले जाया करते हैं। ये जीवात्मा उसका ही एक प्रतिबिंब होता है और क्रम के भोगने वाला हुआ करता है। जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा का बिंब जल से पूर्ण घटों पे दिखाई दिया करता है, घंटों का जब भंग हो जाता है तो वो बिंब जो उनमें भरे हुए जल में दिखाई देता है, चंद्र और सूर्य में ही जाकर प्रलीन हो जाया करता है। उसी प्रकार से इस सृष्टि के भग्न हो जाने पर ये जीवात्मा ब्रह्म में जाकर लीन हो जाया करता है। हे वत्स, ये ब्रह्म एक ही होता है, जबकि भव का क्षय शेष हो जाता है, हम सब भी उसी में प्रलीन हो जाया करते हैं। मतलब हम सब भी ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं, इसलिए सब ने ब्रह्म और आत्मा को ही कहा है। चाहे कोई भी गीता पढ़ लीजिए, उपनिषद पढ़ लीजिए, आप मेरे उपनिषद के वीडियोज भी देख सकते हैं, योग वशिष्ठ भी पढ़ सकते हैं, और ये चराचर संपूर्ण जगत भी उसमें प्रलीन हो जाता है। तो कहने का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश देवी ये सब ब्रह्म ही है। वो ज्योति स्वरूप होता है और एक मंडल के आकार वाला ही है। उसका महाप्रकाश ग्रीष्म ऋतु के मध्यान्ह समय के सूर्य के कितने ही करोड़ प्रभा के समान वाला है। वो इस आकाश के समान महान विस्तार वाला है, सब में व्यापक है और अवश्य है। योगियों के द्वारा ही चंद्र के बिंब की भांति ये सुखद पूर्व के देखने योग्य होता है। योगी लोग उसे सनातन परम ब्रह्म कहते हैं, मतलब ब्रह्मा विष्णु शिव देवी से भी ऊपर जो पावर है वो परम ब्रह्म है, और वे रात दिन उस सत्य सर्व मंगल का ध्यान किया करते हैं। वो निरय हैं अर्थात चेष्टा या इच्छा से रहित है, निराकार हैं अर्थात आकृति से रहित हैं। परमात्मा ईश्वर स्वेच्छा से परिपूर्ण स्वतंत्र है और सबके कारणों का भी कारण है। परम आनंद के रूप वाला परम आनंद का कारण कर प्रधान पुरुष निर्गुण प्रकृति से पर वो ब्रह्म है, वहाँ पर ही ये सबके बीच स्वरूप वाली प्रकृति लीन होती है। हे मुनि, जिस प्रकार से अग्नि में दाह करने वाली शक्ति और सूर्य में प्रभा और दूध में धवलता तथा जल में शीतलता, गगन में शब्द, पृथ्वी में गंध सदा ही रहा करते हैं और ये सब इन गुणों से कभी ही नहीं होते हैं, वैसे ही वो निर्गुण ब्रह्म है और प्रकृति से भी निर्गुण है। वही ब्रह्म जब सृष्टि की रचना करने को उन्मुख होता है तो वो अंश से पुरुष को जाता है, और ऐसा ही कहा गया है। हे वत्स, वही सगुण होता है और प्रकृति तीन सत्व रज तम गुणों वाली त्रिगुणा पराछाया में ही कही गई है। जिस तरह कुलाल कुम्हार घट की रचना करने में सदा ही समर्थ होता है, हे मुनि, उसी प्रकार से वो ब्रह्म प्रकृति से सृष्टि की रचना करने में समर्थ होता है। जिस प्रकार से स्वर्णकार सुवर्ण से कुंडलों की रचना करने में समर्थ होता है, ठीक उसी भांति से प्रकृति के साथ ईश्वर भी वहां पर सृष्टि का निर्माण करने की क्षमता रखा करते हैं। कुमार के द्वारा बनाई हुई मृतिका नित्य और सनातनी नहीं होती, और न स्वर्णकार के द्वारा सृष्ट वो स्वर्ण ही नित्य होता है। नित्य तो वो परम ब्रह्म है और वो प्रकृति भी सनातनी है।
ऐसा बताया गया है। कुछ मनीषीगण कहते हैं कि उन दोनों की समान ही प्रधानता होती है। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया, आज के वीडियो पे इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।